नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर चिदश पॉलीलाइन लिमिटेड, जिसने काफ़ी सारे लोगों को अपने इस रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाया ऑपरेटर्स ने। और काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे तो यूट्यूब वगैरह पे हमें इस स्टॉक के बारे में ऐड भी देखने को मिली। काफ़ी ज़्यादा स्टॉक का क्रेज़ था एक टाइम पर, लेकिन आज के टाइम पर देखें तो स्टॉक बिल्कुल नीचे आ चुका है। 70 रुपये का 52 वीक हाई क्रिएट करने के बाद लगातार स्टॉक में गिरावट बनी है, और देखेंगे तो 5.82 रुपीज़ को ये टच कर चुका है। सो काफ़ी लोगों को स्टॉक में लॉस भी हो रहा है। तो क्या इस स्टॉक में हमें अपॉर्चुनिटी बनानी चाहिए फॉर द फर्दर इन फ्यूचर बेसिस, उसके बारे में भी हम बात करेंगे स्टॉक में, और करेंगे डिटेल एनालिसिस फॉर फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर आप देखें तो स्टॉक 9.75 के पास चलता हुआ देखने को मिल रहा है। 2% के में बढ़त देखने को मिली थी पिछले ट्रेडिंग सेशन में, बट अगर हम देखें तो लगातार गिरावट ही कंटिन्यू है। ये कहीं से कहीं हलिक्स के से पुल बैक आते हैं और फिर ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक गिर जाता है। 49 करोड़ का स्मॉल कैप की कंपनी है, 66 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू है। अब आप देखेंगे तो इस कंपनी में जो बढ़त हुई थी वो एक टाइम पे अच्छी खासी हुई थी, बट जब से इस कंपनी ने डेप्ट लिया है, ये जो आप डेप्ट देख रहे हैं 17 करोड़ का, तब से इस कंपनी में लगातार गिरावट बनी हुई है। प्रमोटर होल्डिंग 56% की, काफ़ी अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है कंपनी के पास। वहीं सेल्स एंड प्रॉफिट को देखेंगे तो ये आपके सामने इसका वाई ओ वाई बेसिस पर क्वार्टर ईयर के बेसिस पर डेटा है। प्रॉफिट ग्रोथ तो बिल्कुल 0% के साथ इसके साथ मतलब बनी हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अब हम चलते हैं इसके रीसेंट क्वार्टर के रिजल्ट पे। मोर ओवर अगर हम बात करें, कंपनी ने सितंबर 2022 से लेकर मार्च 2023 तक अपना प्रमोटर का होल्डिंग बनाकर रखा है 56.61% के पास। FIS 0.49% पे बनी हुई है, पब्लिक होल्डिंग 42% पर है। अब देखिए रिजल्ट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 0.29 करोड़ की इस बार इसमें हमें एक अच्छी खासी मीन 29 लाख रुपये की अच्छी खासी हमें एक ग्रोथ देखने को मिली 0.29 करोड़ के साथ। वहीं अगर हम बात करें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की, तो कंपनी का एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। देखिए एसेट्स का मतलब होता है कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कंपनी के अंदर जो है बिजनेस काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए पॉजिटिव बात होती है कि कंपनी का अगर एसेट बढ़ रहा है तो एसेट भी बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस घट रहा है। चलिए इसके पीछे के रीज़न की बात करते हैं। देखिए बहुत से लोगों का मानना है कि किसी कंपनी का अगर एसेट्स बढ़े, किसी कंपनी का अगर रेवेन्यू बढ़े, तो उस कंपनी का प्राइस तो बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ऑपरेटर ने टोटली अपनी जो है डोमिनेंसी बना के रखी है। आप देखेंगे कि करीब से करीब 40% तक के हमारे ऑपरेटर हैं, 40 से ज़्यादा ही हैं, तो वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं ये स्टॉक फेस कर रहा है अभी के। अगर हम 3 साल पहले का इसका डेटा देखें तो आप देखेंगे कंपनी का जो मेन एंड इम्पॉर्टेंट लेवल था वो था 6.42, 6.42 पे ये स्टॉक काफ़ी दिनों तक ट्रेड किया था। अभी अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी 9.55 पे ये स्टॉक आ चुका है, तो 6.42 इसका जो है लो होने के बावजूद अब ये 9.55 पे आ गया। तो एक जो ये लेवल है 6.42 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा हमारे लिए 6.42, क्योंकि स्टॉक लगातार डाउनसाइड आ रहा है, तो डाउनसाइड आते आते ये इस जगह पे सपोर्ट ज़रूर लेगा 6.42 पे। तो मेरे ख्याल से आपको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए, अभी इसमें फ्रेश बाइंग बिल्कुल भी ना करें। जो लोग होल्ड किए हैं अगर उन्हें बेचना है तो वो इस लेवल के नीचे बेच सकते हैं, इस लेवल के ऊपर जब तक ये स्टॉक है तब तक इसको नहीं बेचना है, क्योंकि कभी भी इसमें ऑपरेटर्स अपनी एंट्री दोबारा से बना सकते हैं और इसमें जो मूवमेंट है, जो रियल प्राइस का मूवमेंट है, वो आपको देखने को मिल सकता है। सो 6.40 के आसपास आपको इसे होल्ड करके रखना है, और 6.40 के पास अगर आपको बाउंस बैक देखने को मिलता है, जो कि मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तब आप इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग अभी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें फंसने के चांसेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि स्टॉक 9 के पास है, 9 से 6.40 तक आएगा तो आप पैनिक करेंगे डेफिनेट पॉइंट पर, मुझे पता है। तो 6.40 पर ही फ्रेश बाइंग करें, होल्डिंग अभी इसमें आप बनाकर रख सकते हैं टिल 6.40। बाकी अगर आपकी कोई और क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।